राधे राधे, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और सुबह सुबह इन लोग के दर्शन हो गए भाई। मैं तैयार हो रहा था और फिर बाहर से आवाज़ आई, लड़ाई वड़ाई हो रही थी सब में। इतने सारे आ गए हैं आज भी। देखो ये देखो बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक उस जगह बैठा है। यहाँ पे बहुत सारे इधर उधर कहीं हैं। हमको कुछ ख़राब नहीं लगता है कि यहाँ है, ठीक है, लेकिन इतनी गंदगी मचा दी थी, इतनी गंदगी मचा दी। कल मैं आया हूँ तो शायद कल ही आप आ गए थे। कल मैं आया हूँ, इतना बदबू कर रहा था बालकनी की, पूछो नहीं। अरे ये सब गंदगी मचा दी बालकनी में। यहाँ अभी तब सब साफ हो किया गया है। बालकनी वगैरह में तो गंदगी मचाते ही हैं, नीचे पूरा गाड़ी गंदी हो जाती है और पूरा रोड, पत्ता, लकड़ी सब टूट टूट के गिरते हैं। उधर से तो आदमी भगाने सोचते हैं, कैसे भगा दें सबको। कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी में हम तो चल रहे हैं। कूदे भैया दौड़े, ऋतिक अभी भी सो रहा है। पापा थे तो मम्मी को छोड़ने चले गए थे, और ऋतिक की मौज रहती है जब पापा रहते हैं, इनको उठना नहीं पड़ता है, आराम से देखो सो रहे हैं। प्रिंस और हम उस दिन गए थे वहाँ, अपने वहाँ लाबनोज में, तो प्रिंस वहीं पे, जब हम लोग अंदर गए हैं बैठने, तब ये देखो टोपी प्रिंस बाहर ही छोड़ाया था। ये देखो आसुनी भाई थे तो वहाँ उठा के रख लिए थे, प्रिंस को भी देना है ये टोपी। चलो भैया बड़ा भर से निकलते हैं, मेरे मोबाइल भी 100% चार्ज हो गई है। मैं चार्जर ले गया था कल कि चार्ज वार्ज करूँगा, लेकिन चार्ज करने टाइम ही नहीं मिलता है, इतना बिजी इंसान हो गया हूँ मैं। कहने में कुछ काम है लेकिन बहुत काम है, पर निकलेंगे निकलेंगे। One hour later. भाई मैं बैठ करके खाना खा रहा था, ये देखो, और तभी कूदने की आवाज़ आई, लगता बंदर आया। देखते हैं चुपके से, पापा जी सो रहे हैं। ये देखो इसको आया। कोई और भी आ रहा है। खाना खाने बैठा हूँ और वो वहाँ खा रहा बाहर। दरवाजा बंद करके मैं आ गया कि अंदर ना चला है, पता चला कि कह रहा अकेले नहीं खाऊंगा, दोनों खा ही रहे हैं, साथ खाते हैं। बंद करके अंदर गया खाना खाने, और इतनी देर में ही देखो क्या कर बैठा, पूरा डस्टबिन में सब उधर डाल रहा है। तो भाई आज फिर मैं यहाँ बैठा हूँ इसके साथ, क्योंकि आज फिर ये सब बंदर जितने हैं सब आ करके मेरी डस्टबिन बार बार खोल रहे हैं, और मैं बाहर निकला इन सबको भगाने के लिए, तो इतना मतलब इतने ढेर सारे थे कि वो डराने लगी मुझको ही। ये देखो बैठे हुए हैं, अभी खोल रहे थे ये, लेकिन उससे पहले मैं आ गया था, और ये बैठे हैं। इतना मोटा है ये, सोच रहा था मुझे ही डरा दो, वो देख नहीं रहा, उसकी आँख ही नहीं है इधर वाले। ओए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि इन सबको भगा सकूँ, और साथ में मूवी भी देख रहा हूँ, कुछ मूवी का नाम यार याद नहीं है। देखते हैं भाई, आएंगे तो भगाएंगे इन सबको, बहुत उधम मचा दिए हैं। डस्टबिन अभी एक बार सुबह जैसा पता है कि मैंने समेटा था, सब कुछ गिरा दिया था, फिर ये सब वही कर रहे हैं। अभी अभी मेरी मूवी कंप्लीट हुई है, और मूवी का नाम था तेरी बातों में उलझा दिया भाई। इतनी तगड़ी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखना जरूर। बाकी आवाज़ मुझे आई ये ढोलक आई है, ढोल लगाने वाले बज रहे हैं और सब लोग मज़े हुए हैं। लगता है कोई हल्दी वल्दी काम होता है तभी मंदिर में आ जाता है, क्योंकि जितने लोग आते हैं जितनी बार देखा हूँ पीला पहन के आते हैं। अच्छा देखो भाई ये पतन कहाँ से आया अचानक से, कहाँ जा रहा है पतन, कहाँ कहाँ से सब आ रहे हैं। भाई अभी मैं बिना डंडे बाहर निकला था, और जिसको मैं दिखा रहा था अचानक से आया था इधर से, हमको लगा गेट में घुस आएगा, अचानक से मुझे दौड़ा लिया। oh, no! मैं बिना डंडे गया था, बहुत तेज अंदर भागते हुए आया हूँ। यार बिना डंडे जाने वाला नहीं है, सब काट और लेंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी, पर भाग गया है अभी, गया पता नहीं कहाँ चला गया है, तो बहुत बंदर आज।
गया था अभी मैं बाहर देखने उन्हें, अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, गया था वापस बदला लेने। इन्हें पर से हमको लग रहा बैठे उठे होंगे तो भगा रही उधर शांति को देखो। An hour later. चीनी रात में हमारे घर में सबको हलवा हलवा खाने का मन हो जाता है, तो इसी बहाने भगवान भी खा लेंगे हलवा और पापा भी खा लेंगे क्योंकि पापा को सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है हमारे घर में, बाकी और फिर लोगों को पसंद है। हमारे पापा को, हमारे बड़े पापा को, सबको मीठा पसंद है। मेरे बड़े पापा को शुगर है, उसके बाद भी अगर मीठा उठा पा जाते हैं तो धीरे से किनारे हो जाते हैं और खा लेते हैं। भाई हलवा बन रहा है, इसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है, अभी तो धीरे धीरे पकेगा तब सही हो जाएगा। वर्दिक मेरे ब्लॉग में लगभग 6-7 ब्लॉग में कॉपीराइट आया हुआ है। मैं सोचता था कि करूँगा हटवाऊँगा और हटवाता नहीं था। अभी कल परसों भी सोच रहा था कि अब ब्लॉग डाल लूँ उसके बाद फिर हटवाऊँगा, नहीं हटवाता था। आज ऋतिक को तुरंत हम ब्लॉग डालने के बाद दे दिए हैं, अब ऋतिक हटा रहे हैं। इतने पे है कॉपीराइट? नहीं, अच्छा कॉपीराइट कितना पे है देखो? नहीं, 1, 2, 3, 7, 8 पे ना? 7-8 पे है कॉपीराइट भाई। वही म्यूज़िक पहले रिपीट, मतलब पहले ब्लॉग में जो है चलता था तो कॉपीराइट नहीं आता था, किसी किसी में आ जाता है उसी पे जिस पे नहीं आता है। यह हाल है, इनको भी अपनी जगह पे खड़ी कर दें। गाड़ियाँ खड़ी थी और ये जो घर बनना है इनके, ये सब लोग इधर ही रास्ते में ही ये सब लगा देते हैं, इसी वजह से पापा उधर नहीं खड़ी किए थे, यहीं खड़ी कर दिए थे, ऐसा पड़ा है। फिर अगर इधर दो गाड़ी खड़ी हो जाती तो जाने की आने की जगह ही नहीं रह जाती। चलो भाई बंद कर दो। बहुत बढ़िया मौसम है क्योंकि चांद जो है पूरा निकला हुआ है, उजलिया रात है। ये देख रहे हो भाई चांद, देखो पहले देखो ये चांद पूरा निकला हुआ आज। अभी खाना पीना हो जाए तो सोच रहा हूँ थोड़ा छत पे चला जाऊँगा, लेकिन छत पे जाऊँगा तो यार यही होता है कि 1 घंटा रुको फिर थोड़ा देर और रुक जाओ, रुकते रुकते टाइम ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऋतिक टाइम ज़्यादा कर लेता, 3-3 बजे आता, 2-1 ऐसे, पापा आ गए तो अब नहीं जाता है, नहीं तो पहले खूब देर रहता था, इसी वजह से नहीं जाने का मन होता है। लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है, सोच रहे चले जाएँ आज।